स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ज्यादा फ्रूट्स किडनी को खराब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं। डॉक्टर्स आपको हाई पोटेशियम और हाई सोडियम वाले फ्रूट्स को अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स आप डेली कंज्यूम करते हैं जिनसे आपकी किडनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, जैसे कि एप्पल और बेरीज। अब आपको बताएंगे कि किन फ्रूट्स को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फ्रूट्स से किडनी पर प्रेशर पड़ता है और किडनी ख़राब हो सकती है। फर्स्ट है एवोकाडोस। एवोकाडोस को अवॉइड करें क्योंकि इसमें पोटेशियम हाई अमाउंट में होता है, जो कि डायलिसिस ट्रीटमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। सेकेंड, बनानास बिल्कुल ना कंज्यूम करें। अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं तो डॉक्टर्स आपको इसे अपनी डाइट से हटाने की एडवाइस देंगे, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाई अमाउंट में होता है। थर्ड, कीवी अवॉइड करें क्योंकि इसमें पोटेशियम हाई अमाउंट में होता है। इसकी बजाय आप रेड ग्रेप्स यानी लाल अंगूर खा सकते हैं। लास्ट है ऑरेंज कंज्यूम ना करें क्योंकि इसमें पोटेशियम हाई होता है। इसे हाई पोटेशियम फ्रूट भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स का सेवन जूस के फॉर्म में ना लें। ऐसे फ्रूट्स का सेवन ना करें जिसमें सोडियम हाई अमाउंट में होता है। अगर आप किडनी के साथ ब्लड शुगर पेशेंट भी हैं तो ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करें जिनमें शुगर हाई होता है। ऐसे फ्रूट्स भी अवॉइड करें जो कि पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट और शुगर का यूज़ किया जाता है। तो आज हमने आपको बताया कि क्या ज़्यादा फ्रूट्स किडनी को ख़राब कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हो या आपका कोई जानकार किडनी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जिनका नाम है चतुर्भुज गर्ग। कहाँ के रहने वाले आप? रोहिणी, रोहिणी शंकर। अच्छा, पास ही हैं। तो जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको? सर ये दिक्कत थी जी, उस टाइम बड़े हुए थे, रिपोर्ट्स जितनी थी। अच्छा, क्रिएटिनिन, पोटेशियम 10.5 हो गया सर। क्रिएटिनिन 10.5 तक चला गया था। अच्छा, अब पौने 8 है। पौने 8 है। और पोटेशियम भी आप बताना बड़ा हुआ था उस समय? पोटेशियम भी 6 के अराउंड था। 6 के अराउंड था। अच्छा, और फिजिकल लेवल पर भी काफी दिक्कत आ रही थी आपको? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी बताएं। मैं 10 कदम भी चल नहीं सकूं था। अच्छा, सांस फूलने लग जाता था। अच्छा, अब तो 7-8 किलोमीटर बहुत सॉफ्टनेस पता। 7 किलोमीटर तक चल लेते हैं आप अभी? डेली चलता हूं। 7 किलोमीटर? 7 किलोमीटर तो बहुत अच्छा डिस्टेंस है। कितने घंटे में चलते हैं आप? कितना टाइम लगता है आपको 7 किलोमीटर चलने में? पौने घंटे में 7 किलोमीटर? अच्छी स्पीड से चलते हैं। और पहले तो आप बता रहे हो 5 कदम भी चल रहे हैं? 10 कदम भी नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। अच्छा जी, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको आई हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी पहले वो बताएं। जब आप आए थे फर्स्ट टाइम उस समय क्या क्या दिक्कत से जूझ रहे थे आप? दिक्कत में तो यही थी सर, हाफने लग जाते हैं, चलने में प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत थी। क्या बताया था डॉक्टर्स ने उस टाइम पे आपको? फिस्टुला के लिए बोल दिया था। कहाँ पर दिखा रहे थे? मैक्स में। अच्छा, तो वहाँ पे फिस्टुला के डायलिसिस के लिए एडवाइस कर दिया था। डायलिसिस आपने करा भी नहीं था? बोल रहे हो तो तीन डायलिसिस भी हो चुके। तीन डायलिसिस कराए भी थे? कराए थे फिस्टुला हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में तीन डायलिसिस कराए थे, लेकिन जब से मेडिसिन ट्रीटमेंट लिए डायलिसिस नहीं करा। और ये सीबी गर्ग जी हैं, चतुर्भुज गर्ग जी, जो डायलिसिस करा रहे थे, क्रिएटिनिन उस समय 10 के आसपास था आपका? 10.5 था। तो आप भी साथ रहते हैं, आप देख रहे हो किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट आई है? क्या बताया उन्होंने? टेस्ट आपने अपने उससे कराए? दवाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने मतलब आपने यहाँ से अपनी तसल्ली दिखाऊंगा सारे दर्शकों, क्योंकि आपने अपने एंड पे कराई। हम तो रिपोर्ट बहुत सारी कराते हैं, हम तो दिखाते, लेकिन आपने जो कराई है वो।
तो ये है सीबी गर्ग जी, जिन्होंने क्रिएटिनिन भी काफी इनका बढ़ा हुआ था उस समय और डायलिसिस भी करा रहे थे, दो तीन डायलिसिस कराए थे, तीन डायलिसिस इन्होंने कराए थे। और अब जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 7 की रेंज में है और यूरिया भी 98 है, दिस इज विदाउट डायलिसिस। बगैर डायलिसिस की क्रिएटिनिन चला था, डायलिसिस इनका हो रहा था तब 10 के आसपास था, पोटेशियम भी हायर साइड पर था 6 के आसपास था, अभी उससे रिड्यूस हुआ 5.3 की रेंज में है और यूरिया जो है वो भी 98 की रेंज में। और डॉक्टर भी बहुत इंप्रेसिव है, मतलब अचंभा मानने में कैसे बगैर उसके डायलिसिस के कैसे वो अब भी विश्वास नहीं कर रहे। अच्छा मालूम है तो दो तीन पे लेके हम अच्छी बात है चलो हो जाए तो पॉजिटिव। अच्छा लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। वो ठीक है, कहाँ पे दिखाया था आपने, कौन से डॉक्टर? ये डॉक्टर इसमें बैठते हैं, डॉक्टर मनोज अरोड़ा। अच्छा किडनी के स्पेशलिस्ट है। अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट ही है। तो उन्होंने बताया, आपने उनको बताया कि आप उनके कांटेक्ट में रहता हूं मैं। अच्छा नहीं, आपने बताया कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं कुछ और? हां दिखाए थे बताया। अच्छा लेकिन वो कहेंगे मेरे उनके उनके फील नहीं है, लेकिन उन्होंने सही बताया कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उसको उस चीज की नॉलेज ही नहीं है। जनरली क्या होता है कि पेशेंट्स को कहते हैं कि ये नहीं लेना, वो जबकि उनको उस चीज की नॉलेज होती नहीं है। बहुत अच्छी चला दिया उन्होंने, वो थोड़े घबरा गए मतलब कि कैसे हो सकता है ये, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। काफी इंप्रेसिव है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला ये इम्पॉसिबल है, यही बताया उन्होंने। नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताया ये हो नहीं सकता कि आपको बगैर डायलिसिस के क्रिएटिनिन कम हो रहा है और डायलिसिस की जरूरत भी नहीं है और चलने में भी 7-8 किलोमीटर आप चल रहे हैं। तो ये है सीबी गर्ग जी जो रोहिणी के निवासी हैं और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी इस चीज को माना कि ये असंभव चीज जो है वो संभव होती चली जा रही है, किस किस प्रकार से हो रही है और रिपोर्ट के आधार पर हो रही है। लाल पैक लैब का चयन इन्होंने अपने अनुसार किया और दवाइयों का इन्होंने टेस्ट भी कराया कि किस प्रकार से दवाइयों में कुछ हार्मफुल तो नहीं है लेने से पहले, नॉट डिटेक्टेड आया मेडिसिन में, फिर उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट करी और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे इनको नजर आए। तो ये है सीबी गर्ग जी जिनको बगैर डायलिसिस के क्रिएटिनिन कम हुआ है और चलने में भी अब सक्षम है और अपना डे टू डे एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, पूरा जो भी आप काम करते हैं वो प्रॉपर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। स्टॉप किडनी डायलिसिस,